सो ही राज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप Amazon ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं Amazon एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको Amazon ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, Amazon ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपके साइट पर देखने को मिल रही है, मेरे वीडियो के साइट पर। इस पर मैं डिटेल से आपको बता रहा हूं कि कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए सिंपल से अपने Amazon एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इधर पर आपको अपने जो भी रजिस्टर बैंक से मोबाइल नंबर हो उसको लॉगिन कर लेना है। एंड गाइस, जैसे ही लॉगिन करते हैं तो ये पे वाला सेक्शन आपको देखने को मिलता है Amazon एप्लीकेशन पर। इस पे वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही इधर पर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपका Amazon पे बैलेंस देखने को मिल जाता है, इसके बाद Amazon पे लेटर आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, इसके बाद आपको Amazon पे UPI एंड इसके बाद आपको Amazon पे ICICI कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका फोन नंबर दिखाया जाएगा, अगर गलत है तो पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक कर आप अपना सही मोबाइल नंबर इधर पर डाल लेंगे। एंड इसके बाद अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही क्लिक करते हैं तो इधर पर आपको अपनी कंडीशंस को अलाउ कर लेनी है। एंड जैसे ही अलाउ कर देते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इधर पर आपको अपने जो भी OTP आएगा आपके फोन नंबर पर, उस OTP को इधर पर एंटर कर देना है। इस OTP डालने के बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इधर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल 400% पेपरलेस प्रोसेस। ये कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इधर पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेप में जो आपको देखने को मिलता है, आपका नेम दिखाया जाता है एंड इसके नीचे आपका पैन नंबर दिखाया जाता है और इधर पर आपको ईमेल आईडी दिखा दी जाती है। हो सकता है आपका पैन नंबर इधर पर इंटर हो जाए ऑटोमेटिक, अगर आपकी फुल KYC होगी Amazon की तो इधर पर ऑटोमेटिक इंटर हो जाएगा। अगर आपका ईमेल एड्रेस भी लिंक होगा तो ईमेल भी आ जाएगा। एंड सिंपल से इधर पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है, मदर नेम इंटर कर देना है, फादर नेम इंटर कर देना है। ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है, इधर पर सेलेक्ट कर लेना है। इधर पर आपको अपने फैमिली का रेफरेंस इंटर कर देना है, जैसे कि अपने मदर नेम का भी इंटर कर सकते हैं, फादर नेम भी इंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका मोबाइल नंबर भी आप इधर पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू एड्रेस डिटेल पर क्लिक कर देना है। एंड आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, पहले मैं फिलअप कर लेता हूं सब चीज। गाइस, इधर पर मैंने सभी डिटेल्स फिलअप कर दिया है एंड सिंपल से कंटिन्यू टू एड्रेस डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप देखने को मिल जाती है। सेकंड स्टेप पर आपको अपना रिव्यू करना पड़ता है एड्रेस की, आपका एड्रेस तो सही आया हुआ है, आपके आधार कार्ड से लिखा हुआ एड्रेस आ जाता है इधर पर। एड्रेस के बाद इधर पर आपको अपनी ऑफिस की डिटेल सेंड करनी पड़ती है, मतलब इधर पर फिलअप करनी पड़ती है। जैसे कि आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, इधर पर आप इंटर करेंगे सोर्स ऑफ फंड, जैसे कि अगर आपकी बिजनेस है तो बिजनेस इनकम सेलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट है, रेंट पेमेंट है या फिर सैलरी है, इधर पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इधर पर ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट कर देंगे। कंपनी का नेम देखने को मिल जाता है, अगर आपकी कोई शॉप है तो शॉप का नेम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इधर पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अपने जो भी इनकम है आप इनकम इधर पर सेलेक्ट कर देंगे। आप ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन है, अपनी क्वालिफिकेशन इधर पर डालनी है। एंड इसके बाद आप अपनी ऑफिस की ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, अगर ऑफिस की ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ऑफिशियली ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पर आपको अपना एड्रेस देना है जहां पर आप कंपनी पर काम करते हैं, या फिर आपकी शॉप है तो शॉप का एड्रेस डालिए। एड्रेस डालने के बाद रेफरल कोड है तो डाल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खाली रहने दे सकते हैं। अब इधर पर आपको अपनी ईमेल का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अगर आपकी पर्सनल ईमेल से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो पर्सनल पर सिलेक्ट कर ओटीपी ईमेल पर आपके रिसीव होगा, उस ओटीपी को इधर पर एंटर कर देना है। एंड जैसे ही एंटर करते हैं तो इधर पर आपको वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक करते हैं इसके, एंड इधर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर अपनी ऑफिस एड्रेस पर लेना चाहते हैं तो ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अपने ऑफिशियली एड्रेस पर होम के एड्रेस पर लेना चाहते हैं तो रेसिडेंट पर आप सिंपल से सेलेक्ट कर देंगे। एंड कंडीशन को सभी को एक्सेप्ट कर देनी है एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है।
एंड जैसे ही आप इधर पर करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देखिए थैंक यू अब एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कंटिन्यू शॉपिंग पर आपको इधर पर एंटर कर देना है। सबमिट करने के बाद एक मैसेज रिसीव होगा। इस मैसेज पर आपको इधर पर अपना एप्लीकेशन नंबर दिखाया जाता है एंड सिंपल से इधर पर सबमिटेड की रिक्वेस्ट आप रेज करना चाहते हैं तो सिंपल से इधर पर आप क्लिक करेंगे लिंक पर और साथ में आपको जो भी सबमिट किया था इधर पर आपका स्टेटस दिखा दिया जाता है। देखिए चेक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक कर दें तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो हमको रीडायरेक्ट कर दिया गया है डायरेक्टली इस पेज पर। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। OTP हम इधर पर एंटर कर देंगे एंड इसका हम स्टेटस देखेंगे कि क्या कैसा स्टेटस है। सो गाइस जैसे ही स्टेटस आप चेक करते हैं तो जैसे कि हमारा कार्ड लाइव प्रूफ आपके सामने अप्रूव्ड हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुकी है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके सामने कुछ भी नहीं हुआ मेरा फिलहाल में, जो भी Amazon ने डिटेक्ट कर लिया है मेरी फुल KYC थी Amazon में, आपकी भी हो सकती है। तो मेरा उधर ही से डिटेक्ट कर KYC इधर पर वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है और डॉको इनकम प्रूफ आपके सामने है कुछ नहीं हुआ और डायरेक्टली इधर पर कार्ड हमारा अप्रूव्ड हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कार्ड ये आपको देखने को मिलता है, लाइफ टाइम प्री क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है और हमारा अप्रूव्ड हो चुका है आपके सामने। कोई भी इधर पर KYC की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी कभी, और हो सकता है आपको KYC भी करनी पड़े बिकॉज किसी किसी अकाउंट्स पर KYC भी मांगता है, तो आपको वीडियो कॉल के जरिए KYC भी कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पर हमारा अप्रूव्ड हो चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई बिकॉज ये मेरा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है। बिकॉज इसके पहले मैंने FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिया था, उसी से मैंने अपना सिविल बिल्ड किया था और इस टाइम पर मेरा जो सिविल स्कोर था मेरा 770 स्कोर था, जो कि काफ़ी बेस्ट स्कोर है मेरे हिसाब से। और साथ में मैंने अप्लाई किया है फर्स्ट टाइम और डायरेक्टली मुझे बिना वेरिफिकेशन के, बिना इनकम प्रूफ के और साथ में बिना वीडियो कॉल के इधर पर अप्रूव्ड हो चुका है आपके सामने। सो गाइस जिस तरीके से आप बड़ी आसानी से Amazon ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी से प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। सो कार्ड मेरे पास आता है, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो, लिमिट क्या कैसी देखने को मिली है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जो प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।